अरविंद केजरीवाल की समस्या क्या है ना, वो समझता था कि हम अगर एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो हम मीडिया को खरीद लिए। देखिए, अब पत्रकारों को जो सजा देने पे आ जाए, समझ लीजिए उसका अंत कितना निश्चित और कितना नजदीक। आपको लगता है लोकतंत्र को इस तरीके से झटका देना, एक पत्रकार अगर सवाल पूछ रहा है महिला पत्रकार होके, तो आप उसको जेल भिजवा दे रहे पंजाब सरकार के? देखिए, अरविंद केजरीवाल की समस्या क्या है ना, वो समझता था कि हम अगर एडवर्टाइजमेंट देते हैं तो हम मीडिया को खरीद लिए। उसको पता नहीं है मीडिया चौथा स्तंभ है, और मीडिया जो सच होगा वो दिखाएगा ही, वो किसी के दबाव में काम नहीं कर सकता। अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दी राजनीतिक पतन की कगार पे पहुंच गए। आप एक सुपरस्टार कहना चाहेंगे जिस संस्था में आए हैं? अरे, आज तो काशी के कलाकारों के साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे, हम भी हम हो कब वो ऐसा नहीं रहनी। मैं पहली बार देख रहा हूं कि काशी में फिल्म संस्था एक खड़ी हो रही है, काशी फिल्म संस्था। आजकल जिस प्रकार से म्यूजिक कंपनीज हैं, फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं जो बच्चों से काम लेती हैं, तो कई रेगुलेशंस हैं। मैं INB का भी मेंबर हूं, तो हम पूरे वेब सीरीज़ से ले के और देश के सिनेमा सेंसर बोर्ड से ले के सब कुछ हम लोग नियंत्रित इस ढंग से करना चाहते हैं जहां सिनेमा को और फ़ायदा हो। और ऐसे में अगर हम काशी फिल्म संस्था से के साथ नहीं जुड़ेंगे तो कहां जुड़ेंगे? हमारा जन्म यहां हुआ है, हम यहीं गलियों से गाना सीखे हैं, यहीं से फिल्म किया हमने, तो हम ये भी जानते हैं कि एक छोटा सा मौका कितना बड़ा हो सकता है जीवन में। तो इसलिए मैंने बच्चों को थोड़ी सहायता दी, और ये मैं तो करता ही रहूँगा, क्योंकि ये लोग इतने साथ एक साथ आए हैं। तो हम काशी के भी लोगों से चाहेंगे कि सबको ही को CSR करना होता है। अगर किसी का मन करे कि हम फिल्म टैलेंट्स को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए CSR करें, तो वो भी ऐसी संस्थाओं को जरूर करना चाहिए। फिल्मों की बात चलिए तो जिस तरह से अब फिल्में बन रही हैं, काफ़ी कुछ सच्ची घटनाओं में फिल्में बन रही, जिसे सराहा भी जा रहा है। पहले की जो फिल्में थी वो कहीं ना कहीं एक पक्ष को, एक धर्म को केंद्रित होकर बनाई जाती थी। अभी केरल फिल्म स्टोरी आई है, इसको लेकर तमाम बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है, सुप्रीम कोर्ट तक गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी झटका दे दिया और कहा फिल्म चलने लायक है, इसको चलिए। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि जब हम लोग भी INB की मीटिंग करते हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय की, तो किसी को हम इसलिए नहीं रोक सकते कि ये इस विषय पे फिल्म बनाओ मत। हम उनको सिर्फ इतना कह सकते हैं, आप फिल्म बनाइए, लेकिन अगर किसी दिन फिल्म के कथानक को लेकर के कोई आरोप हुआ, कोई विवाद हुआ, तो उसका जवाब देने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश में बहुत सारी फिल्में कई कास्ट को, कई कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए भी बनाई गई। समय तो कोई सवाल नहीं उठाता था, आज हम सत्य को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो या फिर केरल स्टोरी हो। जो डॉक्यूमेंटेड है ऑलरेडी, जो वहाँ के इतिहास में लिखा है, और जो जिसको पूरा समाज में, थाने में सब कुछ FIR है, तो उसको बनाने से तो किसी को रोक नहीं सकते। हाँ, कुछ लोगों को मिर्ची ज़रूर लग रही है, क्योंकि वो चाहते थे कि इस प्रकार का कर्म भी करें और कोई उसका विरोध भी न करे, कोई चर्चा भी न करे। तो अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है, उसमें ये नहीं हो सकता। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब
जो मीडिया की अभिव्यक्ति है उसको अभिव्यक्त करने दो, जो सिनेमा की अभिव्यक्ति है अभिव्यक्त करने दो, और किसी को लगा कि नहीं ये बिल्कुल गलत बात दिखा दिया तो कोर्ट है ना, डिफेमेशन में जाइए, कानून है उसका। ये सड़क पे हल्ला करने से और किसी सिनेमा को इसलिए रोक दो कि कुछ लोगों की गलत हरकतों को छुपा के रखना है, ये अब नहीं हो सकता। झारखंड के एक जामताड़ा के एक विधायक, उन्होंने कहा किसी की बाप की पौती नहीं है कि लोग ये लगा दिए, क्या मानते हैं? बाप की पौती तो किसी की नहीं है। उनको मैं बता दूं कि जो भी सज्जन ऐसा कह रहे हों, सज्जन हो या दुर्जन हो, बाप की बपौती किसी की नहीं है, संविधान की बपौती सबकी है, और संविधान के तहत जो भी हो रहा है किसी का बाप उसको रोक नहीं सकता। एक सवाल, नगर निकाय चुनाव हो रहा है, दूसरे चरण का मतदान 11 तारीख को हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे जबकि पहले चरण में स्थिति यह रही कि मात्र 40% वाराणसी में पड़ा, जो प्रधानमंत्री का सवाल? देखिए, ये चिंता का विषय है। हम जब समस्याएं गिनाने लगते हैं, ये नाली नहीं बना, ये खड़ंजा नहीं बना, ये अच्छा से यहाँ ट्रैफिक नहीं निकल रहा है, ये जब चर्चा करनी होती है तो समाज के कई वर्ग के लोग आकर के टूट जाते हैं, और वो पेशेंस से भी नहीं बोलते, वो बहुत आक्रामक ढंग से और बुरे तरीके से बोलते हैं, लेकिन जब उनको वोट करना होता है तो वो सो जाते हैं। इस ये जो पद्धति चल पड़ी है ये लोकतंत्र के लिए घातक है। मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा, अभी 11 को वोट है, प्लीज़ अगर आप चाहते हैं आपकी गली, आपका ट्रैफिक, आपके घर में आने वाला पानी, वो जो पाइप है वो, या फिर उसका पानियों का निकास, ये सब कुछ अगर अच्छा हो तो एक रिस्पॉन्सिबल सरकार को चुनिए,